रिया रणबीर के बैंगलोर जाने से पहले प्राची करवाएगी रणबीर से एक प्रॉमिस, लेकिन उस प्रॉमिस को तोड़ देगा रणबीर और अभी शराब पीने के लिए लेगा प्रज्ञा से बदला और रिया रणबीर को करेगी प्राची के खिलाफ और रणबीर जाएगा रिया के साथ बैंगलोर। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में रिया अपनी बैंगलोर वाली दोस्त की शादी के बहाने रणबीर को पल्लवी के जरिए अपने साथ ले जाने के लिए पल्लवी से परमिशन ले लेगी। इसी वजह से प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा और सबसे बड़ा खुलासा होगा कि प्राची इसीलिए रणबीर के बैंगलोर जाने से पहले रणबीर से एक प्रॉमिस करवाएगी, जहां पर प्राची रणबीर को कहेगी कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हारे पास जो ये दिल है वो तुम किसी को नहीं दोगे। जिसे सुनकर रणबीर प्राची से प्रॉमिस करेगा कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक ये दिल मैं किसी को नहीं दूंगा और ये प्राची से रणबीर प्रॉमिस करके प्राची को गले लगा लेगा और दरवाजे के पीछे से रिया सब कुछ सुन लेगी और रिया मन ही मन कहेगी कि रणबीर ने सच कहा कि जब तक वो तुम्हारे साथ है तब तक वो किसी को दिल नहीं देगा, लेकिन अब मैं कुछ दिनों के लिए रणबीर को तुमसे अलग कर रही हूँ क्योंकि रणबीर मेरे साथ बैंगलोर आ रहा है और मैं ही उसको अपने साथ ले जा रही हूँ। और मन ही मन रिया कहेगी कि तो अब देखते हैं कि तुम अपने रणबीर को किसी को दिल देने से कैसे रोकती हो, क्योंकि अब रणबीर होगा तो सिर्फ मेरा। ये सब रिया अपने मन ही मन अपने आप से कमिटमेंट करेगी, लेकिन सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि अभी दारू पीने के लिए प्रज्ञा के ऑफिस में जाकर प्रज्ञा के सामने झगड़ा करेगा, जहाँ पर प्रज्ञा को चैलेंज देते हुए कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं कुछ कमा नहीं सकता, मैं अभी भी जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ और अब मैं पैसे कमाऊंगा और उसी से मैं अपनी शराब लूंगा और अब देखते हैं कि तुम मुझे शराब पीने से कैसे रोक पाओगी। ये सब अभी के मुंह से सुनकर प्रज्ञा को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन प्रज्ञा मुस्कुराती हुई खुशी से अभी को कहेगी कि हाँ तो चलो, आपने कहा है कि आप कमा सकते हो और आप उसी से शराब लोगे, तो अब देखते हैं कि आप अपनी कमाई से शराब को कैसे खरीदते हो। और ये सारी बातें प्रज्ञा के मुंह से सुनकर अभी भी पूरी तरह से हिल जाएगा, क्योंकि अभी को दारू यानी कि शराब ना देने के लिए प्रज्ञा एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहाँ पर अभी ने जैसे प्रज्ञा को कहा कि वो अपनी कमाई से शराब की बोतल लेगा, तो इसी वजह से अभी को एक महीने में तनख्वाह मिलने की वजह से और अभी के पास एक भी पैसा ना होने की वजह से अभी अपनी सैलरी के लिए एक महीने का इंतजार करेगा, जहाँ पर अभी को एक महीने के बाद सैलरी मिलने की वजह से इस एक महीने के बीच के टाइमिंग के दौरान अभी की सारी शराब की आदतें छूट जाएगी और जब अभी के पास सैलरी आ जाएगी तब अभी को शराब पीने का दिल नहीं होगा, क्योंकि अभी की सारी शराब पीने की आदतें छूट चुकी होगी, जिसके लिए अभी प्रज्ञा से एक महीने बाद प्रज्ञा का शुक्रिया अदा करेगा और अभी को एहसास होगा कि प्रज्ञा ने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसकी शराब की आदतें छुड़वाई है और एहसास होगा कि अभी भी प्रज्ञा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, जिस वजह से इसी चैलेंज के चक्कर में हो जाएंगे अभी प्रज्ञा दोनों एक। लेकिन सूत्रों के अनुसार जब रिया रणबीर को बैंगलोर लेकर चली जाएगी तभी रिया इसी मौके का फायदा उठाकर रणबीर को अपने करीब ले आएगी, जिससे धीरे धीरे रणबीर रिया के करीब आ जाएगा और हो जाएगा प्राची से दूर। और आप रणबीर प्राची को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आप अभी प्रज्ञा को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।